हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज दुबे और आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, मैंने एक पहल का स्टार्ट किया है और आप लोग पूछिएगा कि उस पहल का नाम क्या है, वो कौन सा पहल है। तो दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों का कि राज्य यात्रा पहल का नाम है। आप लोगों को घर बैठे ही सभी राज्य का यात्रा कराऊँगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि अदर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो कैसे क्वेश्चन से स्टेट से बनेंगे और बिना पैसा गवाए हुए सभी स्टेट के बारे में कैसे हम जानेंगे, तो वो जिम्मेवारी क्या है मेरी है, आप लोगों को हर स्टेट का यात्रा कराना। और आप लोगों को इसमें कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो मैं बताऊँगा फ्रेंड्स एक बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, ताकि आप लोगों का ये महसूस ना हो कि हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बस आप लोगों का यही लगेगा कि मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो ये पहल है उस पहल का मैंने नाम रखा है क्या, राज्य यात्रा रखा है। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उस स्टेट का जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उस स्टेट से आप लोगों को हर एक एक वीडियो इस पर मैं बनाकर डालूंगा हर स्टेट पर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जब अच्छा लगे तो बस आप लोगों को केवल सपोर्ट चाहिए कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को जब अच्छा लगे तो बस सपोर्ट करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी सोशल मीडिया हो उस पर शेयर करना। तो फ्रेंड्स, मैं बिहार से रहने वाला हूँ और मेरा नाम पड़ेगा सूरज दुबे। तो आप लोगों को अपने ही बिहार से ही क्यों ना यात्रा को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे बिहार की स्थापना जब हुआ था कौन सा ईस्वी में हुआ था, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस पूछने का संभावना होता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि बिहार राज्य की जब स्थापना हुआ था कौन सा सन में हुआ था, तो 1912 में हुआ था। 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुआ था। बस आप लोगों को इतना ही से नहीं होगा, हम आप लोगों को बताएंगे कि वर्ष 1912 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, इसके फलस्वरूप बिहार राज्य का स्थापना हुआ। और वर्ष 17 साल बाद वर्ष 1935 में उड़ीसा इससे क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और आप लोग से यानी बिहार से ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या है। तो बिहार का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है, मगध है। और बिहार का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि बिहार स्टेट का राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है, तो पटना है। और ये भी यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पटना है सबसे बड़ा शहर। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो बिहार की राजधानी पटना है उसका ऐतिहासिक नाम क्या है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसका ऐतिहासिक जो नाम है वो पाटलिपुत्र है फ्रेंड्स। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय जो पक्षी है वो नागता है। और राजकीय जो पशु है वो मिथुन है, क्या है फ्रेंड्स, तो गौर मिथुन राजकीय पशु है। और राजकीय पुष्प क्या है, कचनार है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बिहार में कुल 38 जिले हैं तथा यहाँ के जो लगभग क्षेत्रफल है वो कितना है। तो बिहार का जो लगभग क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जनसंख्या लगभग 10,38,04,637 है, जिनमें से बिहार राज्य में लगभग 5,41,85,327 क्या हैं, पुरुष हैं। और उनमें से लगभग 4,96,00,000
19,196 क्या है, महिलाएं हैं। और आप लोग यहां से भी क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लोक नृत्य क्या है, झिझिया है, कर्मा है, कटघोड़ा है। कटघोड़ा का नाम आप लोग सुने होंगे क्योंकि आप लोग जब अपने माता या पिता के साथ मेला देखने जाते होंगे तो उस मेले में काठ का घोड़ा और छड़ से लंबे लंबे जो छड़ होते हैं उसमें लटका करके वो क्या करता था कि जब छोटे छोटे आप लोग होंगे तो उस टाइम हम भी अपने अपने को भी बात कर रहे हैं कि उस घोड़े पर बैठ जाते थे और गोलंबर में वो क्या करता था, घुमाता था। तो वही कटघोड़वा है बिहार का। और क्या है फ्रेंड्स, तो झरनी है और धोबिया है, ये सभी क्या है, लोक नृत्य हैं। ऐसे लोक नृत्य से क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स बिहार में जितने क्वेश्चंस बनेंगे इससे रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चंस को आपको लेकर आया हूँ, छाट कर लेकर आया हूँ। और ऐसे नहीं होगा तो आप लोगों को बिहार के बारे में और सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा और अपने यूट्यूब चैनल पर भी क्वेश्चंस को क्या करता हूँ फ्रेंड्स, तो शेयर करता हूँ, डालता रहता हूँ, ट्रिक भी उसका डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बिहार से, तो बिहार की जनसंख्या का घनत्व तो लगभग कितना है, तो बिहार के जनसंख्या के लगभग जो घनत्व है वो कितना है, 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का जनसंख्या का घनत्व तो लगभग कितना है, तो 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बिहार से रिलेटेड जितने भी मैंने क्वेश्चंस बनाया है इस क्वेश्चंस को मैंने बहुत तरीके से डिजाइन करके लाया हूँ, तो फ्रेंड्स इसको शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट देखेंगे इस वीडियो को मौखिक ही इस क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, इसीलिए मैं आप लोगों को मौखिक ही बता रहे हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि पढ़ने में क्या करते हैं, पढ़ने के नाम पर बहुत डरते हैं, तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया है इस पहल को कि क्यों ना हम मौखिक ही क्वेश्चंस को बोलूं और सारे स्टूडेंट देखें इस वीडियो को तो याद कर लें। वैसा ही मैं बता रहा हूं कि आपके दिमाग में जाकर सेट हो जाएगा। और आप लोगों से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो टोटल जो साक्षरता दर है वो कितना है, 63.82% है, जिनमें से 73.3% पुरुष और क्या है 53.33% महिलाएं हैं। और बिहार के लिंगा अनुपात की बात करें तो बिहार की जो लिंगा अनुपात है वो 1000 पुरुष पर क्या है, 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं हैं। और बिहार में आप लोगों को बात करें कि हिंदू का कितना परसेंट और मुस्लिम जो है उनको कितना परसेंट है बिहार में, तो बिहार में हिंदू 83.2% तथा मुस्लिम जो है 16.5% है। यहाँ बात करते हैं कि बिहार की जो प्रमुख भाषाएं हैं कौन कौन सी बोली जाती है, तो प्रमुख जो भाषाएं हैं मैथिली है, हिंदी है, उर्दू है, भोजपुरी है, मगधी है, आंगिका है आदि। और आप लोगों से बात करूं कि बिहार में सर्वाधिक गर्म जिले और ठंड जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो गर्म जिले हैं वो गया है और ठंड जिले ही जिला भी गया ही है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि बिहार के क्षेत्रफल में देश का जो बिहार है उसका क्षेत्रफल में देश का 12वां स्थान पर है तथा जनसंख्या की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो बिहार ही है। और आप लोगों को बात करें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीट और राज्यसभा की 16 सीट और लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। और वर्ष 2000 में झारखंड राज्य को क्या किया गया था, बिहार से अलग किया गया था, कौन सा, सन 2000 में। और बिहार की प्रमुख पर्व की बात करें तो बिहार की जो प्रमुख पर्व है वो कौन सा है, छठ है, होली है, दिवाली है, दशहरा है, महाशिवरात्रि है, नागपंचमी है, श्री पंचमी है, मुहर्रम है, ईद है और क्या है, क्रिसमस डे जिसको बोलते हैं वो है।
और फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार के अभी प्रेजेंट टाइम में मुख्य जो मंत्री हैं वो कौन है, तो श्री नीतीश कुमार जी हैं। और गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान जी हैं। और बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि बिहार की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है, यानी कि बात करें कि बिहार की चौहद्दी कौन सा है। तो बिहार की चौहद्दी यानी सीमाएं की बात करें तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में झारखंड है, और उत्तर में क्या है, नेपाल। उत्तर में क्या है फ्रेंड्स, तो नेपाल की सीमाएं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात करते हैं बिहार से रिलेटेड कि बिहार की प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन सा है। तो बिहार के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है क्या है, तो महात्मा गांधी सेतु है, और महाबोधि मंदिर है, नालंदा विश्वविद्यालय है, और क्या है तो विष्णुपाद मंदिर है, और बोधगया मंदिर है इत्यादि। तो फ्रेंड्स जब ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग क्या करना, मैक्सिमम से सोशल मीडिया जो है उस पर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पाएँ। तो इस यात्रा को यहीं पर एंड करूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।